की सैलरी देंगे दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर यह बड़ा ऐलान किया है और डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है कि कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए वो लगातार तत्पर रहेंगे और उनकी सहायता के लिए उन्होंने ये अहम कदम उठाया है। साथियों और अफसरों से भी साथ आने की अपील की है। कोरोना पीड़ितों के लिए एक महीने की सैलरी देंगे दुष्यंत चौटाला। राकेश जी, एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनको एक महीने की सैलरी देंगे। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो जब भी संकट की या राष्ट्रीय आपदा की या प्रदेश पर कोई आपदा आती है तो मुख्यमंत्री का एक आपदा कोष होता है। इसकी जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री ने एक महीने की शुरू की है, लेकिन उनके चाचा जो इनेलो से विधायक हैं उन्होंने इससे भी आकर आगे बात की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने भी जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि देश पर कोरोना की आपदा को लेकर वे एक वर्ष का जो अपना वेतन और भत्ता देने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धनराशि देने को तैयार होंगे। और उनसे जो है टेलीफोनिकली बात भी हुई है जब उनका ये ट्वीट आया था। बहरहाल जो है उप मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, जैसे मैंने बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक महीने की सैलरी जो है राहत के लिए दे दिया है। और दूसरा जो सोनिया, इसमें देखने वाली बात ये रहती है कि इस तरह की आपदा जब आती है लोग खुद भी डोनेट करते हैं, और क्योंकि इस समय लोग अभी अभी शुरुआत है, जिस तरह से आगे स्थिति गंभीर होगी। और मैं और आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है, उस फंड में भी जो है सरकार को वो डोनेट करेंगे। अभी एक अनिल अग्रवाल जो है उद्योगपति हैं, उनका हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे 100 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट करने का फैसला लिया है। और इस तरह से पंजाब हरियाणा में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं और बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, ये जो लोग हैं निश्चित रूप से मदद के लिए आगे आएंगे। अभी लोक नुमाइंदों ने अभी शुरुआत की है, अभी समाज के और वर्ग जो संस्थाएं हैं वे भी आगे आएंगी। बहरहाल मैं सुन रहा था कि झज्जर की आप बात कर रहे थे कि झज्जर में आधे से ज्यादा झज्जर खुल गया है और कोई असर नहीं है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा सोनिया कि लॉकडाउन की अवहेलना करने पर, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में लॉकडाउन होता है, कानून व्यवस्था को लेकर कर्फ्यू किया लागू किया जाता है, इसमें जो प्रावधान है 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई जब होती है तो एक महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा इन लोगों को हो सकती है जो इन कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। जो लॉकडाउन के लिए आदेश निकले हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किराना और केमिस्ट और ये जो दूध वगैरह के जो लोग हैं ये अपनी दुकानें खोल सकते हैं, यानी कि हर किसी को अनुमति नहीं है। और ऐसा ना इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये अहम कदम उठाया है। इसी के साथ उन्होंने साथियों और अफसरों से भी साथ आने की अपील की है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो एक महीने की जो तनख्वाह है कोरोना पीड़ितों को देंगे, कोरोना पीड़ितों के लिए एक महीने की सैलरी देंगे दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और हम आपको दिखा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने क्या ट्वीट किया है। और उन्होंने साथियों और अफसरों से भी साथ आने की अपील की है। तो लोक नुमाइंदों की ओर से लगातार जो है पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि जनता की किस तरीके से वो सहायता कर सके, किस तरीके से इस महामारी से उबरने में वो जनता का सहयोग कर सके।